यार, इतना उदास क्यों बैठा है? यार आज मास्टर ने इतना मारा, मैं घर जाके मम्मी को क्या बोलूंगा? तू भी ना यार, अब मम्मी को मम्मी ही बोलेगा, अब मार खाने के बाद बुआ थोड़ी ना बोलेगा। I love you, Janude. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। I love you, Janude. भाई मान ले। मैंने मान ले बोला ना कि मार ले। तो भाई मान, सपोज करो। I love you, Janude. भाई जब तुझे गर्मी लगती है तो तू क्या करता है? तो मैं एसी के सामने बैठ जाता हूँ। और भाई बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो क्या करता है? तो मैं एसी चालू कर लेता हूँ। जुल्मी रिश्तेदारों में से कोई ना कोई पैसे जरूर देगा। आखिरकार उनके जाने का वक्त आता है, वो घर से बाहर निकलते हैं, अंकल का हाथ उनकी पीछे वाली जेब में जाता है और वो अपना 6 साल पुराना बटुआ निकालते हैं। उसमें से 500 की हरी पत्ती अपने हाथ में लेते हैं। तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है और दिल में तो भैया बल्ले ही बल्ले, तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला होता है। अचानक तुम्हारे बाऊजी बीच में आ जाते हैं। अरे भाई साहब, इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं बच्चा है, रखने दो। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं भाई साहब, मैं बिना दिए नहीं जाऊंगा। अब आप इतना कह रहे हैं तो इसे मैं रख लेता हूँ। I love you, Janude. नमस्कार सर, मैं बीआर चैनल से हूं। तो आज का हमारा टॉपिक ये कि मतलब पुलिस और रिश्वत, तो मतलब उसमें लोगों की राय जान रहे हैं, तो आपकी राय क्या है? सर पुलिस पूरे रिश्वत खोर हो चुकी है, पूरा करप्शन में हो गया सब। जा देखो हमारी रिश्वत, जा देखो हमारी रिश्वत। गाड़ी ने छोड़े बिना 100 रुपए लिया। बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं हो रहा है आजकल, कोई नहीं रहा देश में बिना पैसों के। रिश्वत को ऐसा हलवा समझ रखा, मतलब पुलिस जो है बिल्कुल करप्टेड बताई। पूरी करप्टेड है, पूरी सर कुछ नहीं, न्यूज चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे। अच्छा, पुलिस बहुत अच्छी है, जिस तरीके से आप अच्छा काम कर रहे हो बता रहे थे हम। नहीं सर कर लिए, मैंने बोला पैसे दिए तो ले लिए, लाइसेंस देख के छोड़ दिया, मैं चलता हूँ मम्मी का। अंजलि हाँ? ये अंडा तुमने अपने मुंह में रखा बिना तोड़े 5 सेकंड तक, हाँ? तो मैं तुम्हें 1500 रुपीज दूँ। 1500 कहाँ से आ रहा है यार? हॉस्पिटल गया था। क्यों, क्या हो गया? यार मेरा भतीजा चल फिर नहीं पा रहा है। oh, no. बाप रे, क्या हो गया उसको? पता नहीं यार भाई, कल ही पैदा हुआ है।
No.